हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है। तो लिब्रा कैल्क में चार्ट के बारे में आज सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास एक स्टूडेंट की डिटेल है, तो यहां पर राजू है, सचिन है, सुरेश, रमेश, तृप्ति और राजेंद्र, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और यहां पर सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं लाइक कंप्यूटर, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और इसमें मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 100। तो इन्होंने आउट ऑफ 100 कुछ मार्क्स गेन किए हैं, तो जिसके सबसे कम मार्क्स है उनको देख लीजिए आप, और जिसके जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स है तो उनको देख लीजिए आप। दोनों को ही आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे टोटल भी किया हुआ है मैंने, फॉर्मूला लगा करके, सम का फॉर्मूला लगा करके आप टोटल भी कर सकते हैं। मैं F2 प्रेस करके आपको दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, इसके लिए हमें चार्ट जनरेट करना है, क्योंकि चार्ट जनरेट करने से ये होता है कि आप देख करके ही अनुमान लगा लेते हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं, किसकी कितनी अच्छी पोजीशन है। चार्ट के माध्यम से ग्राफिकली आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो चलिए इसको ग्राफिकली देखते हैं। चार्ट हमें कहां मिलेगा, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको मिलेगा इंसर्ट चार्ट। तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक चार्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट होकर आ गया है। अगर आप चार्ट की शेप वगैरह बदलना चाहते हैं तो कुछ यहां से जाकर के आप चेंज वेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी कौन से चार्ट पे हैं, हम अभी कॉलम चार्ट पे हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए कॉलम चार्ट बेहतर है। यहां से आप बार चार्ट देख सकते हैं, फिर यहां पर आपको मिल जाता है पाई चार्ट, फिर एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक, और फिर यहां पे कॉलम एंड लाइन। तो फिलहाल अभी हमें कॉलम चार्ट ही रखना है और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है डाटा सीरीज इन रोज, क्या आप रोज में डेटा को देखना चाहते हैं, नहीं हमें रोज में नहीं देखना। फिर दूसरा है कॉलम्स में देखना चाहते हैं, तो हाँ कॉलम्स में ही देखना है। तीसरा है फर्स्ट रो एज लेबल, फर्स्ट कॉलम एज लेबल, तो इस पे आपको टिक ही रहने देना है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और फिर यहाँ से आप एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और अगर टाइटल वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो इसमें टाइटल दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट चार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट चार्ट कर देते हैं, तो ये लिख दिया स्टूडेंट चार्ट, ओके। और बाकी सारी चीजें भी आप दे सकते हैं। फिलहाल फिनिश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको स्टूडेंट चार्ट दिखाई पड़ने लगेगा। और अब इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये बेहतर तरीके से लुक इसका बेहतर आ सके। तो ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं इजिली, और बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देख करके ही आप अनुमान लगा देंगे कि किसके कितने मार्क्स आए होंगे किस सब्जेक्ट में। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कलर भी दिए गए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।